साथियों नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं उत्तराखंड में और यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं भीमल का पेड़। ये भीमल का जो वृक्ष है काफ़ी बड़ा होता है। यह पशुओं के शुद्ध चारे के लिए बहुत अच्छा होता है। पशुओं को अगर इसका इसकी पत्तियां टहनियां खिलाओ तो दूध भरपूर मात्रा में, बढ़िया गाढ़ा दूध होता है और घी और मक्खन भी खूब निकलता है। तो यह है भीमल का पेड़ और यह है भीमल के पत्ते। भीमल के पत्ते ये टहनियाँ बड़ी सुंदर प्यारी होती हैं और सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहले के ज़माने में जब साबुन उपलब्ध नहीं होता था तो हमारी पहाड़ी नारियाँ और पहाड़ी परिवेश में हमारे इधर के इलाके में इसकी जो टहनियाँ हैं उसकी छाल को निकाल करके कूट के और अच्छी तरह से उसको अपने सिर पे मल देती थी। उससे खूब झाग निकलता था और खुशबूदार जो है झाग होता था, बालों में खुशबू निकलती थी। और इसकी और भी बड़ी खासियत है कि इसकी जो टहनियां हैं इसकी छाल को निकाल करके रस्सी, जूट जैसी रस्सी, जूट से भी और बेहतर रस्सी इसकी होती है। जूट की तो खरखरी माना टाइट रस्सी होती है जो खुरदुरी होती है, और इसकी मुलायम रस्सी होती थी। इसमें आप कई प्रकार के लंबे लंबे जूट जैसे रस्सियों का, रेशमी टाइप की रस्सियाँ होती थी, इसके रेशे होते हैं। बहुत ही प्यारा सुंदर भीमल का वृक्ष। नमस्कार।